को अलग कर देते हैं, नहीं पहले बच्चे को अलग कर देते हैं, तब जाके कबूतर को अलग करेंगे। बच्चे काले जो पले हैं बच्चों को पहले अलग कर लेते हैं, तब कुछ करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देसी पिजन लवर। उम्मीद करता हूँ सब भाई फिटफाट होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों आज जो है जोड़े तोड़ने लगे हैं और ऊपर देखें मौसम भी ऐसे लग रहा है कि बारिश का है, और ये देखें बारिश कुछ देर में आने वाली है। तो अब दोस्तों आज करना ये है कि फाइनली हम जोड़े तोड़ने लगे हैं कबूतर के आज, और इसे कम से कम 2 महीने रेस्ट भी देंगे कबूतरों को। तो सबसे पहले दोस्तों हम बच्चे अलग कर लेते हैं आज, जो कि बच्चे कुछ पले हुए हैं छोटे बच्चे, उनको भी बताता हूँ मैं करना क्या है फिर बच्चों का, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बच्चे निकाल लेते हैं, और बच्चे निकाल के इन्हें उस केज में रखेंगे हम, ठीक है दोस्तों। तो ये जो बच्चे पले हैं पहले इन्हें निकाल लेते हैं हम इस केज में। दोस्तों कुल 5-6 बच्चे पले हैं, और कबूतरी ने भी अंडा रख दिया है, एक दो कबूतरी ने अंडा रखा है इस केज में। ये बच्चे पले हैं इस केज के, बाकी ऊपर बच्चे पले हैं जो वो भी निकालते हैं। बच्चे जो दोस्तों है वो निकालते हैं, पकड़ते हैं, घुसाते हैं इसके अंदर। बच्चे दोस्तों बड़े फटीले हैं, तो ये कुछ बच्चे पले हैं जो काले पीले नीले हरे, वो तो एक बच्चा और है काली नजर नहीं आ रहा, काला बच्चा है वो उस साइड बैठा हुआ। चले तो ये दोस्तों कुछ बच्चे पले हैं, तो ये देखे दोस्तों ये कुछ बच्चे पले हैं जो कि इस केज में हम शिफ्ट करेंगे, और इस केज के जो बच्चे हैं वो इसी केज में रहने देंगे, और कबूतर जो है दोस्तों वो उस केज में हम शिफ्ट कर देते हैं। ये देखें यहाँ भी मादी ने अंडा रख दिया है इस केज में, ये देखें इस केज में भी मादी ने अंडा रख दिया है, ये देखें। खैर मुझे अंडे फंडे की जरूरत नहीं है अभी, तो मैं इसे रख दूंगा। तो इस जोड़े को दोस्तों उस केज में डालते हैं, और उस जोड़े को भी निकालते हैं। इसका अंडा भी तो दोस्तों फ्रेश हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो अंडे आप देख रहे हैं, ये जो अंडे आप देख रहे हैं ये मेरे कोई काम के नहीं हैं, ठीक है दोस्तों। 3 अंडे यहाँ इस केज के हैं, तो इन्हें रखते हैं इसमें दाना वाले में, इसे फेंक देंगे बाद में। पहले हम बच्चे को इधर कर देते हैं इस केज में नीचे। ये जो बच्चे हैं ये बच्चे पहले छोड़ते हैं हम इस केज में, ताकि बच्चे सेफ रहे। ये देखें, ये देखें फुर्ती देखें इनकी, बच्चों की कैसे फ्रेंट है इसे, ये देखें। ये देखें ये कुछ बच्चे पले हैं दोस्तों, अच्छे बच्चे पले हैं इस बार, और इन्हें कैसे जल्दी बड़ा करना है ये भी तरीका आज मैं आपको बताऊंगा, क्या इन्हें देना है क्या नहीं देना है वो सब चीज़ें आज मैं आपको शेयर करूंगा आपके साथ। ये देखें बच्चे बड़े अच्छे अच्छे पले हैं दोस्तों, ये देखें, ठीक है दोस्तों। तो ये तो दोस्तों हो गया बच्चे, ये देखें कुछ 4-5 स्टेज के अंदर घुस गए हैं, और बाकी सब ये बच्चे, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं उस केज का भी आपको दिखाता हूँ जोड़े अलग करने का, कैसे करते हैं उसके जोड़े अलग करेंगे हम। और अब दोस्तों इस केज में सिर्फ मादियां रहेंगी और बाकी सब ओपन रहेगा, बाकी सब
केजों में नर रहेंगे। तो सबसे पहले हम नर को अलग करते हैं। यहाँ भी दोस्तों दो अंडे कबूतरी ने रख दिए हैं, तो अब मुझे इसका भी जरूरत नहीं है, इस अंडे का। तो मैंने ये अंडा वहाँ रख देता हूँ। ये एक मादी है, इसे भी मैं इस केज में डालता हूँ। जो भी ब्रीडिंग वाली मादी है, इसे भी इस केज में डालते हैं। और बाकियाँ दोस्तों, बाकी मादी सब है जो, उसे भी हम डालते हैं। तो सूत्र सब ऊपर बैठे हुए हैं, तो नीचे वाले केज में भी देख लेते हैं। एक मादी ये है, पहली मादी है, ये मादी उस केज की है, इसे भी इसमें डालते हैं ताकि ये ब्रीडिंग में नहीं आए। फिर अभी कम से कम दोस्तों 2 महीने इनको रेस्ट देना है, तभी जाके ये ठीक रहेंगे। ये वो बच्चा है दोस्तों, जो उस दिन मैंने आपको बताया था, ये भाग गया था, 3 दिन के बाद वापस आया दोस्तों। इसे भी उस केज में छोड़ते हैं। खैर अभी इसे इसमें डालते हैं, फिर उधर मैं जाऊंगा तो उस केज में छोड़ेंगे। और जो मादियां हैं दोस्तों ऊपर है, 2-3 मादियां स्टॉक में। तो दोस्तों ये सब मादियां देख लें, सब मादियां को मैंने अलग कर दिया है। ये देखें कुल मिला के 17-18 मादियाँ हैं। ये बच्चा खाली उस केज का है, ठीक है दोस्तों। बाकी ये देखें सब मादियाँ मैंने अलग कर दी हैं, जो ब्रीडिंग मादियाँ हैं मेरी। ये देखें वो बगैर अंडे के बैठी हुई है, वो देखें उसके नीचे अंडा नहीं है, फिर भी वो बैठी हुई है, क्योंकि उसने अंडा दिया था कल परसों के अंदर अंदर, तो वो बैठी हुई है। अब उम्मीद है कि दोस्तों ये भी मादी अंडा दे देगी जल्दी, तो इसका भी अंडा फेंक देंगे। पर अब मादियाँ दोस्तों ये सब यहीं रहेंगी, ठीक है दोस्तों। और नर जो है दोस्तों, ये देखिए ऊपर बैठे हुए हैं सब, नर अब ऐसे ही रहेंगे ताकि कबूतर सब फिट रहें, ठीक है दोस्तों। ये देखिए बाकी उस केज में चलते हैं दोस्तों। ये बच्चा दोस्तों इस केज में छोड़ दिया है, ठीक है दोस्तों। और इन सब बच्चों का क्या करना है अब मुझे, कि इन्हें हैंड फिट कराना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये जैसे ये कमज़ोर है, और भी बच्चे हैं, मैं निकालता हूँ दिखाता हूँ आपको। जैसे ये बच्चा है, ये देखें ये थोड़ा कमज़ोर है, ठीक है दोस्तों। और भी 2-4 बच्चे हैं जो, ये देखें थोड़ा ये भी कमज़ोर है। तो इन सबको दोस्तों हैंड फिट कैसे कराना है, क्या देना है, ताकि ये कबूतर के बच्चे, ये देखें ये भी थोड़ा कमज़ोर है, ठीक है दोस्तों। ये देखें है अच्छी नस्ल का, मगर ये देखें इसकी नस्ल देखें, चिट्टी आँख का है, ये देखें वाइट आँख का है, ये आप देख रहे होंगे शायद, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें वाइट आँख का है दोस्तों, और 2 बच्चे ये अंदर घुसेंगे। ये देखें है सब अच्छे बच्चे दोस्तों, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, कुछ बच्चे इतने पले हुए हैं दोस्तों इस बार। और मैं आपको इसलिए ये दिखा रहा हूँ ताकि अब जो है दोस्तों, अब ब्रीडिंग बंद कर देंगे ताकि 2 महीने कबूतरों को रेस्ट मिले और कबूतर अच्छे से फिर तैयार हो जाए ब्रीडिंग के लिए, ठीक है दोस्तों, ताकि ब्रीडिंग के लिए फिर तैयार हो जाए। ये देखें जैसे जैसे ये बड़े बच्चे खाएंगे दाना, वैसे वैसे छोटे भी खाना स्टार्ट कर देंगे। तो खैर अब मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको कि इनको देना क्या है फीड में, जो कि इनको मैं फीड कराऊंगा तो कबूतर अच्छे से फीडिंग करेंगे। दोस्तों गर्मी भी लग रही है, साथ में मौसम भी ख़राब है, बारिश का कोई पता नहीं कब आ जाएगा कब नहीं आएगा। और साथ में जो भाई चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी बच्चे कुछ मिला के 15-16 बच्चे होंगे जो कि इस बार तैयार हुए हैं। तो अब मैं ब्रीडिंग रोक दे रहा हूँ ताकि 2 महीने कबूतरों को रेस्ट दे के फिर ब्रीडिंग कराएंगे, फिर सीजन आ जाएगा अपना,
पुराने का, तो फिर कबूतर भी उड़ाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे अगले सीजन कबूतर बाजी कैसे होती है, कबूतर कैसे उड़ाते हैं, क्या नुस्खा लगता है क्या नहीं लगता। ठीक है दोस्तों, पिछले सीजन मैंने इस सीजन भी बताया था बहुत से भाइयों को, तो बहुत भाई ने कबूतर उड़ाए भी अच्छे तरीके से और कुछ भाई ने प्राइज़ भी अच्छे जीते। ठीक है दोस्तों, तो देखे दोस्तों ये वो चीज़ है जो कि हम बच्चे को अब देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या चीज़ है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो बच्चे अभी कमज़ोर पले हैं उन बच्चों को ये देंगे हम, कम से कम 8-10 दिन देंगे ताकि बच्चे मोटे हो जाएं। ये है क्या दोस्तों, ये इसमें मैंने मिलाया है सेरेलैक। ठीक है दोस्तों, 0 नंबर का जो सेरेलैक आता है बच्चों का, वो चीज़ इसमें मिलाया है मैंने, और इसे मिला के अच्छी तरह तरीके से बना लिया है गर्म करके। तो ये चीज़ हमने कबूतर को देना है बच्चों को, ये देखें ये 20 सीसी का सिरिंच है दोस्तों, ये देख लें आप। ठीक है दोस्तों, और इससे हम अब बच्चे को देंगे, तो वो दिखाते हैं अब आपको किस किस बच्चों को देना है। जैसे ये कमज़ोर बच्चा है एक दोस्तों, इसे देते हैं हम, इसे 20 सीसी नहीं देना है दोस्तों, कम से कम 15 सीसी, 10 सीसी या 15 सीसी देंगे, ये देखें। ठीक है दोस्तों, इसका पोटा भर गया, ये देखें, कमज़ोर नहीं है साला, बड़ा हरामी है बच्चा ये, जैसे आप देख रहे हैं सब बच्चे तेज हैं। और दूसरे बच्चे को भी देते हैं एक साथ, इसके ये बच्चा है, इसे भी देते हैं थोड़ा, जल्दी ही इनसे इसकी ग्रोथ हो जाएगी, और मैं आपको वीडियो में दिखाते भी रहूँगा कि बच्चे की ग्रोथ कितनी है कितनी नहीं है, ये देखें। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी से ये खा भी लेंगे और दाना पचा भी लेंगे ये। ठीक है दोस्तों, तो बाकी दोस्तों इसी तरह सब बच्चों को नहीं, कम से कम ये जो 4-5 बच्चे हैं पतले वजूद के, इन्हें हम देंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखें। ठीक है दोस्तों, बस इसी तरह आपने अपने कबूतर के बच्चों को देना है, और बच्चे आपके अच्छे बड़े हो जाएंगे जैसे ये हैं। ठीक है दोस्तों, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, ये बच्चे फिर डर के मारे, नया केज है दोस्तों इसलिए डर के मारे अंदर घुस जा रहे हैं, ये देखिए एक जगह जाके बैठ गए हैं, इन्हें बाहर निकालता हूँ तब केज बंद करता हूँ ताकि ये अंदर ना घुसे। फिर ये एक बच्चा रह गया छोटा सा, इसे भी देते हैं, तो इस केज को बंद पहले करते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बच्चा भी निकल गया है इसके कारण, ये वही बच्चा था जो उस दिन भाग गया था, और फिर ये निकल गया गलती से, मेरे से ये केज खुला रह गया, और ये देखिए ये उड़ने लगा। आ आ आ आ कहाँ गया, ऊपर से मौसम भी ख़राब है दोस्तों, ये देखें ये आ रहा है। चले इसे बैठता है तो मैं दिखाता हूँ फिर आपको कहाँ गया कहाँ नहीं गया, बारिश भी आने वाली है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये बच्चा उड़ रहा है अभी, बैठने का तो नाम नहीं ले रहा, बाकी ये देखें ये देखें ये आ रहा है, ये देखें ये ऊपर बैठने की कोशिश कर रहा है, वो जंगली उसको पीछे पड़ गया, ये आ रहा बच्चा, तो ये बच्चा दोस्तों बैठने लगा आके, ये बैठ गया, चले बच्चा आके बैठ गया दोस्तों, ये बैठा, ये देख ले, ये देखिए, ये 2-4 बाहर निकालने पड़े मुझे इसके वजह से, वरना नया बच्चा है दोस्तों, अभी 10वीं कली भी नहीं आई इसकी,
चले ठीक है, बाकी मैं आपके साथ कंटिन्यू वीडियो बनाते रहूँगा। बाकी जो भाई चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी ये बच्चे दोस्तों आपने ऐसे ही पालने हैं हैंड फिट करा के, ताकि आपके बच्चे अच्छे तरीके से पल जाए, वो हरा बच्चा देखे दोस्तों। आपको शायद नज़र नहीं आ रहा, ये देखें इसकी खरान देखें कैसी है कैसी नहीं है, ये देखें, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों आपने यही खिलाना अपने कबूतरों के बच्चों को, कम से कम 10 दिन खिलाएं, इसी तरह मोटे ताजे हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।